नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद में स्टेशन रोड स्थित BDM स्कूल की छात्राओं एवं अध्यापकाओं के अलावा नगरपालिका कर्मियों ने स्वच्छता अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को स्वच्छता रैली निकाली। स्वच्छता अमृत महोत्सव के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शुकोहाबाद नगरपालिका परिषद की ओर से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। पालिका प्रशासन की ओर से पूरे पखवाड़े में शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता संबंधी विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। मंगलवार को नगर के BDM कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर स्वच्छता रैली निकाली गई। रैली को हरी झंडी दिखाते हुए पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम ने कहा कि नगर को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बरसात के मौसम में वातावरण में कई रोगाणु पनप जाते हैं जो संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं। इन रोगों की चपेट में सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने बताया कि इन दिनों एक जगह पर ज़्यादा से दिनों तक पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। साथ ही घरों से निकलने वाले जैविक और अजैविक कूड़े का निस्तारण भी उचित तरीके से किया जाना जरूरी है। रैली में स्कूली स्टाफ के अलावा नगरपालिका टीम भी मौजूद रही। तो देखते रहिए अब्दुल सत्तार की ये खास रिपोर्ट। रैली का क्या मकसद है? आज हमारे नगरपालिका परिषद शुकोहाबाद में स्वच्छता अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत जो प्रोग्राम शुरू हुआ है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसी के तहत हम लोगों ने आज बच्चों को साथ में लेकर स्कूल के एक रैली का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम शहर को अपने कचरा मुक्त कर सकें, साफ सफाई का लोगों को के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे जो बीमारियां पैदा होती हैं उससे लोग बच सकें। इस मिशन के तहत प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, जैसे कि घाटों की सफाई कराना, नहर के किनारे सफाई कराना और पूजा स्थलों की सफाई कराना, अपने शहर की जगह जगह शहर में जो लोगों को आवत नहीं है सफाई के, उनको भी इस मुहिम से जोड़ना और उन लोगों को इसके प्रति जागरूक करना कि कचरे का सही प्रबंधन कर सकें, गीला कचरा सूखा कचरा अलग कर सकें, सड़कों पर ऐसी कूड़ा ना फेंकें, अपने अपने डस्टबिन का यूज़ करें और जो भी कचरा लेने वाले आते हैं उन्हीं को कचरा दें। और लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुद भी इस मिशन का हिस्सा बने और अपने शहर को साफ सुंदर और स्वच्छ बनाएं और बीमारियों से मुक्त करें। इसी के साथ मैं सबको फिर से एक बार यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस मिशन में जुड़ें और हम सबको शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाएं।